तो कांग्रेस को कांग्रेस ही अपोज करते हैं, है ना, और उसके पीछे आईसीसी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। सिब्बल ने जो एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि अब जरूरत होगी कि गांधी परिवार से अलग कोई आए जो कि पार्टी की कमान संभाले। देखो, गांधी परिवार से अलग से कोई आए या कहीं से कोई आए ये तो अभी समय बताएगा, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम डिसफंक्शनल पार्टी हो गए। ठीक है, हमारे यहाँ ना कोई चर्चा ढंग की होती है, ना कोई संवाद ढंग का होता है, ना वन टू वन होता है। और एक और चीज मैंने देखी है, मैं जैसे पिछले दो एक साल से, क्योंकि मैं पार्टी की कोई मुख्य धारा में तो हूं नहीं, एक तरीके से कार्यकर्ता ही रहा हूं मैं, उसी हैसियत से मैं आता जाता हूं। वो तो आपका बड़प्पन है कि आप लोग आ जाते हो मेरा इंटरव्यू लेने, लेकिन मैंने जब भी बड़े नेताओं से बात किया है, एक ऐसा नेता नहीं मिला है जो मुझे जो कहता है वही पब्लिक में कहता है, एक भी। और इसमें क्योंकि मेरे दादाजी और मेरी माताजी कांग्रेस में बड़े पदों पर रहीं, इसलिए बहुत कम बड़े नेता हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भैया आपको कांग्रेस ने इतना दिया है, मुझे आप कुछ कहते हो, कभी कभी आंसू टपकते हुए कुछ कहते हो और पब्लिक में कुछ और ही बोल देते हो। तो हमारे सीनियर लीडर्स को भी मानना पड़ेगा कि कितने दिन आप सच को छुपाकर अपनी गद्दियों को गर्म करते रहोगे, उनको भी तो बदलाव लाना पड़ेगा ना। वर्किंग कमेटी की बैठक में तो बता रहे हैं कि ये सर्वसम्मति से फैसला लिया कि सोनिया गांधी की जो अध्यक्षता उस पर आस्था व्यक्त की गई। नहीं तो वो तो ठीक है, अभी कौन सा वो चेंज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि साहब कोई एक इवेंट हो और आप इमिजिएटली कुछ इतना बड़ा चेंज कर दें। बात यह है कि मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बदलोगे, तो जिस तरीके से हमारी एआईसीसी है, जिस तरीके से आजकल के हमारे क्रियाशील एआईसीसी है, वो नहीं जो पहले हुआ करते थे, और जिस तरीके से ये कुछ लोगों ने काबिज करके कुंडली मार के कांग्रेस में बैठ गए हैं, ये तो बदले हुए नेतृत्व को भी काम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये लोग पार्टी स्वार्थ से और देश स्वार्थ से काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग निजी स्वार्थ से काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह है कि व्यापक रूप में चर्चा हो और उसमें उन लोगों से चर्चा हो जो सही में देश हित को और कांग्रेस हित को सर्वोपरि मानते हैं। आखिरी सवाल है, आप पंजाब में भी आपने कैंपेन किया, उसके अलावा उत्तराखंड की बात करें, वहां उम्मीद थी कि कांग्रेस को उत्तराखंड या गोवा में सरकार बन सकती है, सभी जगह करारी हार हुई, कोई जवाबदेही अब तक तय नहीं की गई। ये तो कब तय की गई थी, ये तो सिर्फ ऐसा है, देखो क्या होता है हमारे यहाँ, एक तो अगर सीधे सीधे जवाबदेही तय की जाए तो दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास 90% तो कांग्रेस को कांग्रेस ही अपोज करते हैं, है ना, और उसके पीछे आईसीसी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और ये मत कहिए कि कोई पुरानी है आईसीसी, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्रियों को परेशान करना, उनके बारे में कोई पॉजिटिव चीज नहीं कहना, ये सब तो हमारी प्रवृत्ति हमारे प्रकृति में आ गया है ना। तो मेरा ये है कि जब अगर बात सच्ची में खुलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। तो क्या होता, हर चीज को दबाव देखे रखो, तो ठीक है, जो बेचारे चुनाव हार गए उनकी तो ऐसी जवाबदेही नहीं बची, ठीक है, जो चुनाव लड़वा रहे थे, जो नीतियां तय कर रहे थे, जो नेतृत्व तय कर रहे थे, जो मैसेजिंग तय कर रहे थे, उनका क्या है, आज इस टापू पे थे, कल दूसरे टापू पे चले जाएंगे। भाई उनके लिए तो ये सब जैसे वो होता है ना कि आदमी किसी आइलैंड में वकेशन के लिए जाता है, यहां होटल बुक कर लिया, फिर वहां होटल बुक कर लिया, बिल तो ऐसे ही कांग्रेस भर रही है।